हेलो गाइस, वेलकम इन अ टेक्निकल बाबा जी। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि IRCTC टिकट को कैसे कैंसिल करें जो भी आपने बुक की है। अर्जेंटली अगर आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे करें। सिंपली हम IRCTC वेबसाइट खोलेंगे और ये हमारा होम बटन हो गया, होम बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस हम सिंपली माई अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर सी माई अकाउंट, अब यहाँ पर हम सिंपली गाइस इसमें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे सी गाइस है कैंसिलेशन, टिकट हिस्ट्री पे आएंगे। सो इसके लिए हमें जस्ट ट्रांजैक्शन से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कैंसिलेशन टिकट और हिस्ट्री पे आएंगे। अब सी गाइस यहाँ पे हमें कोई कैंसिल टिकट नहीं किया हूँ, सो इसके लिए हम दोबारा जो भी टिकट बुक किए हैं माय अकाउंट में आएंगे। माय अकाउंट में माय ट्रांजैक्शन में बुक टिकट हिस्ट्री। नाउ सी गाइस हियर, नाउ हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे बुक पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कैंसिलेशन, सो हम इस पे क्लिक करेंगे। नाउ सी गाइस, इट्स आस्किंग Employee never ask personal banking information including detail etc. OTP. So इसके लिए डोंट वरी कट, यहाँ पे ओके करेंगे हम। और ओके करने के बाद सो गाइज यहाँ पे एक कन्फॉर्मेशन मांगेगा, उस कन्फॉर्मेशन को आप ओके कर देना है। तो सिंपली आप किसी भी IRCTC टिकट को कैंसिल कर सकते हो। सो कैंसिलेशन टिकट यहाँ पे, अब यहाँ पे ओके करनी है। ओके करने के बाद गाइस आपको सिंपल एक कंफर्मेशन मांगेगा, दैट यू हैव टू क्लिक ऑन अ यस, फिर आप IRCTC की टिकट कैंसिल होकर मैसेज आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। एट द मोमेंट I'm not delighted to cancel of this ticket, so sorry for it. But आप same strategy, same procedure execute करके किसी भी ticket को cancel कर सकते हो guys. So this is all about in this video tutorial guys. Thank you very much indeed. Have a great day.